देखेंगे। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवी इंडिया न्यूज। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू एक बार फिर विवाद का केंद्र बन गई है। इस बार विवाद का कारण बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग है। इस डॉक्यूमेंट्री ने कैंपस में बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दरअसल कुछ छात्र इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे थे, तभी उन पर पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही इंटरनेट बंद कर बिजली भी काट दी गई। हालांकि बाद में कैंपस में बिजली बहाल की गई। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार पीएम मोदी पर प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग के दौरान पथराव किए जाने के दावों के साथ जेएनयू के छात्रों ने वसंत कुंज थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद थाने के बाहर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष IC घोष ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। IC घोष ने आगे कहा कि पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि वे तुरंत घटना की जांच करेंगे। हमने इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के नाम और विवरण दिए हैं। फिलहाल हम विरोध प्रदर्शन वापस ले रहे हैं। हम JNU प्रॉक्टर कार्यालय में भी शिकायत करेंगे। दरअसल ये बवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले ही JNU प्रशासन ने BBC की डॉक्यूमेंट्री ना दिखाने का फैसला लिया। लेकिन JNU छात्र संघ ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी तरफ से छात्रों के लिए डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने BBC के विवादित डॉक्यूमेंट्री पर नए ITE नियमों के तहत प्रतिबंध लगाया है। JNU से पहले मंगलवार को केरल में कई जगहों पर यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। राज्य में सत्तारूढ़ CPM से जुड़े छात्र संगठन SFI समेत कई दलों ने स्क्रीनिंग की। वहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी छात्रों के एक समूह ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। इसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रिपोर्ट भी मांगी है। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम हजार स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। वो एक न्यूज़ स्क्रीन को बंद करेंगे, हम लाखों न्यूज़ स्क्रीन को देखेंगे। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट JNU स्टूडेंट कम्युनिटी विल बी डूइंग इट राइट नाउ राइट हियर। अगर पुलिस का दम है, अगर BJP का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो QR कोड है आप में सब में बांटेंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग हियर। And this is a request from the JNU Students Union that please do scan the QR code and we'll be starting off with the screening shortly. Thank you. वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम हजार स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। वो एक न्यूज़ स्क्रीन को बंद करेंगे, हम लाखों न्यूज़ स्क्रीन को देखेंगे। And this is the form of protest that JNU Student Community Group will be doing it right now. राइट हियर। अगर पुलिस का दम है, अगर BJP का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो QR कोड है आप में सब में बांटेंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग हियर। एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द JNU स्टूडेंट्स यूनियन दैट प्लीज डू स्कैन द QR कोड एंड विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द स्क्रीनिंग शॉर्टली। थैंक यू। आपने